बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वचन की परिभाषा। जो भी बच्चे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। शब्दों के संख्यावाचक रूप को वचन कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। उदाहरण, लड़का भागता है। लड़के भागते हैं। उदाहरण, लड़का भागता है, लड़के भागते हैं। दिए गए उदाहरण में थोड़ा सा परिवर्तन है। जहाँ लड़का एक होने का बोध करा रहा है, वहीं लड़के कई होने का बोध करा रहे हैं। वचन के प्रकार, वचन के दो प्रकार होते हैं। पहला एक वचन, बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। शब्दों के संख्यावाचक रूप को वचन कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं।